हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले सीईएससी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 20 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें तो पीछे के 1 सप्ताह के अंदर स्टॉक में 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, परंतु 1 महीने के अंदर स्टॉक में 11% की तेजी, 3 महीने में 25%, 6 महीने में 35% और 1 साल के अंदर 15% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, परंतु पीछे के 1 सप्ताह से इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बना 93 रुपीज, 93 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्टॉक का नीचे का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 89 रुपीज, 89 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 89 रुपीज के एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 94 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये स्टॉक देखिए तो एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 92 रुपीज और नीचे का एक सपोर्ट लेवल है 89 रुपीज। ये स्टॉक इसके बीच में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ और लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।